सेवैयां और लच्छे खा खा कर थक गए हैं, रमजान की याद आ रही है, तो चलिए बनाया जाए कुछ कीमा समोसा डिफरेंट स्टाइल से। सबसे पहले इसके लिए ले लिया मैंने 1/2 kg मैदा, 1 चाय का चम्मच अजवाइन लें, उसे अच्छी तरह से मसल दें, क्रश कर दें, इससे इसकी खुशबू फैल जाती है मैदे में। नमक ले लिया 1 चाय का चम्मच नमक, 50 ग्राम रिफाइंड तेल डालकर पहले मैदे को खूब अच्छी तरह मसल कर मिक्स करें, जब तक कि मुट्ठी ना बननी शुरू हो जाए। जैसे ही मुट्ठी बन जाए थोड़ा थोड़ा पानी दें और टाइट डो लगा लें, आटे को टाइट गूंद लें, इससे आपका स्नैक्स क्रिस्प होगा। बहुत मुलायम नहीं करना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, और जब अच्छी तरह गूंद लें तो उसे ढक कर आधे घंटा रख दें, इससे ये अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाता है। आधे घंटे तक फर्मेंट होने पर ये काफी हल्का बनता है। देखें डो हमारा बहुत हल्का हो गया है और फूल भी गया है। अब इसकी एक बड़ी लोई ले लें और उसे लंबा करके बराबर बराबर छोटे छोटे कतरे काट लें। इससे क्या है कि आपका स्नैक्स एक साइज का होता है। अब उन्हें गोलों में बदल दें। आज मैं आपको बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन बनाना बताऊंगी। अब इन गोलों को लंबे शेप में बेल लें। आगे का सिरा फोल्ड करें और दाएं और बाएं से इसमें प्लेट की तरह डिजाइन बनाते जाएं। अभी तक आपने बहुत पुराने डिजाइन का बनाया है, ये नया डिजाइन बड़ा अट्रैक्ट करता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे लगता है ये फिश बन गए हो। मुझे बड़ा पसंद है। और इसमें कीमा भर दें। कीमा की रेसिपी मैंने बहुत तफसील से कीमा समोसा में दिया है, वहां से जाकर आप कीमा बनाने का तरीका देख लें, मेरे कीमा तैयार करने का तरीका देख लें। अब मैंने कीमा में कच्ची प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च थोड़ा मिक्स किया और इन रोटी की लंबी लंबी पूरियों में भरकर इसे खूबसूरत डिजाइन दिया। इसे बनाकर आप बॉक्स में 2-3 दिनों के लिए सेफ रख सकते हैं, जब गेस्ट आए तो आप तल दें। हल्की सी खुश्की या सूखा आटा इस पे छिड़क देंगे तो ये आपस में नहीं चिपकेंगे और आप जब चाहें, जब फ्री हो, इसे फ्राई करके बना सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये काफी हल्का होता है और हीट नहीं जलता है, इसलिए मैं चीजों को या स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ज्यादातर मैं राइस ब्रैन तेल का इस्तेमाल करती हूँ। मंगाने को तो आप इस होटल से भी मंगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तेल इतनी बार यूज किया जाता है कि वो बीमारी का जड़ होता है, इसलिए ज्यादा प्रेफर करें किसी भी कोई भी स्नैक्स खाने का दिल हो फटाफट घर में बना लें और मेरी वीडियो देख के बनाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपका बहुत अच्छा होगा। ये छोटा छोटा बड़ा खूबसूरत कीमा स्नैक्स बनकर रेडी हो रहा है। इस तरह से आप इसे फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पर आप धीरे धीरे सारे समोसे को फ्राई कर लें गुलाबी होने तक और टोमेटो सॉस के साथ, धनिया पत्ती की चटनी के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही मजेदार इसका जायका होता है और देखने में भी ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो बना डालिए न्यू समोसा।
जमशेदपुर में 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अगर शाम में स्नैक्स खाने का मन करे और आप बाहर का खाएं तो लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं वोमिटिंग, पेट दर्द, बुखार। इन सब से बचने के लिए स्नैक्स खाने का दिल हो तो घर पे ही बनाएं, जो सेफ भी है और हेल्दी भी, टेस्टी भी और खूबसूरत भी। तो बना डालिए नए डिज़ाइन का समोसा। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।